हेलो बताओ जी, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि पबजी मोबाइल में जो भी न्यू सीज़न स्टार्ट होता है उसके जो साइकिल रिवार्ड्स हैं वो किस तरह से आपने कलेक्ट करने होते हैं, वो बैजेस जो हैं वो किस तरह से कलेक्ट करने होते हैं और ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूरा होता है। C3S9 में बहुत से प्लेयर्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि वो जो है टीयर रिवार्ड जो है कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मेरे पास जो है कवर आ गया तो सेट नहीं आया, सेट आ गया तो कवर नहीं आया। इन सभी मसलों का जो हाल है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि सबसे पहले टीयर रिवार्ड्स जो है वो कलेक्ट किस तरह से होते हैं और ये प्रोसीजर किस तरह से वर्क करता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं वो समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें C4S10 सीज़न लिखा हुआ, हमने सिंपली इसको टैप कर देना है। यहाँ पर देखें इस वक्त जो है मैं डायमंड टीयर पर रीच हो चुका हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखें साइकिल 4 लिखा हुआ, इस पर टैप करना है, साइकिल एडवेंचर्स आ जाएंगे। यहाँ पर साइकिल रिवार्ड्स जो है उसके हमने टैप कर देना है। यहाँ पे देखें साइकिल रिवार्ड जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डायमंड बैच रिवार्ड जो है वो हमें मिल रहा है साइकिल 4 कवर, जो कि मिथिक कवर है, काफ़ी खूबसूरत कवर है। यहाँ पे देखें इस वक्त जो है आर्कन जैसर एक्स सूट के साथ ये कितना मैच कर रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। साइकिल 4 कवर है मिथिक। अब ये मैंने कलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखें अगर सीज़न प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कम्प्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे जो सीज़न प्रोग्रेस थी वो थी कि डायमंड 5 टीयर जो है उस पर आपने रीच करना है और बैच जो है फर्स्ट टाइम रिसीव करना है इस सीज़न में, ठीक है। उसके जो रिवार्ड्स हैं वो मुझे जो है ये 100 बीपी कॉइंस और 3 सिल्वर फ्रैगमेंट्स मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैजेस की, तो साइकिल 4 कवर जो है उससे कलेक्ट करने के लिए मुझे 3 बैजेस चाहिए होंगे डायमंड के, ठीक है, डायमंड टीयर के। यहाँ पे पहला बैच देखें मुझे मिल चुका है, जो कि C4S10 में मैं डायमंड टीयर पे रीच हुआ हूँ तो मुझे मिल चुका है। यहाँ पे देखें अब C4S11 लॉक है और C4S12 भी लॉक है और उसके एंड में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसलिए लिखा हुआ है कि अभी ना तो C4S11 सीज़न आया और ना ही C4S12 सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है 3 जो बैज हैं ये कंप्लीट तभी होते हैं जब आप इन तीनों सीज़न में डायमंड टीयर पे रीच करें, समझ आ गई। यहाँ पे देखें इस सीज़न में C4S10 में मैं डायमंड पे आ चुका हूँ, एक बैज मिल गया है। अब नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट होगा C4S11 उसमें भी मुझे डायमंड टीयर रीच करना है और C4S12 जब स्टार्ट होगा उसमें भी डायमंड टीयर रीच करूँगा, तो फिर जो है मैं ये जो है साइकिल 4 का कवर कलेक्ट कर सकूँगा, जो कि मिथिक है और काफ़ी खूबसूरत कवर है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करें तो क्राउन बैज रिवार्ड जो है वो साइकिल 4 का मिथिक सेट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सेट है। मैं समझता हूँ कि जो रॉयल पास के मिथिक आउटफिट्स आ रहे हैं उनसे अच्छे तो साइकिल के रिवार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये साइकिल 4 सेट है जो कि बहुत खूबसूरत है। इसको कलेक्ट करने के लिए भी सेम सीक्वेंस है। यहाँ पे देखें अभी मैं चूँकि C4S10 सीज़न में अभी जो है क्राउन टीयर पे रीच नहीं हुआ तो यहाँ पे देखें अभी मुझे बैज नहीं मिला, ठीक है, ना ही मेरी सीज़न प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट हुई है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। तो क्राउन बैज का रिवार्ड जो है साइकिल 4 सेट, इसे कलेक्ट करने के लिए मुझे इस C4S10 सीज़न में भी क्राउन टीयर पर रीच करना है, C4S11 और C4S12 में भी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो कि नीचे लिखा भी हुआ है इन्होंने कि आपको जो है 3 मेडल्स कंजेकटिवली चाहिए होंगे कोई भी साइकिल रिवार्ड जो है कलेक्ट करने के लिए। तो अभी मैंने जो है क्राउन टीयर पे इस सीज़न रीच होना है, नेक्स्ट सीज़न भी रीच होना है और उससे नेक्स्ट में भी रीच होना है, उसके बाद जो है मैं साइकिल 4 सेट जो है वो कलेक्ट कर सकूंगा, जो कि मिथिक है। और इसी तरह अगर हम बात करें होवरबोर्ड की तो सेम सीक्वेंस, आपको एस बैच चाहिए होंगे 3, यानी कि इस सीज़न में भी आपने एस बैच लगना है, यानी कि इस सीज़न में भी आपको एस टीयर जो है वो रीच करना है, उससे नेक्स्ट सीज़न और उससे नेक्स्ट सीज़न में भी। उसके बाद जो है साइकिल 4 की होवरबोर्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिवार्ड भी आप कलेक्ट कर सकेंगे। सीज़न चाहे कोई भी हो, जब टीयर रिवार्ड आते हैं किसी भी साइकिल के पबजी मोबाइल में तो वो साइकिल को कंप्लीट कैसे करना होता है, उसके बैजेस कैसे कंप्लीट करने हैं, ये सारी मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल बता दिया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मैटर और वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन बिनीथ दिस वीडियो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।